भारत को लूटने वाले 9 क्रूर बर्बर विदेशी शासक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मध्ययुग में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, इसलिए हमारा देश शुरू से ही विदेशी आक्रांताओं के निशाने पर रहा। सन 187 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय इतिहास की राजनीतिकता एकदम बिखर गई। इस खंडित एकता के चलते देश के उत्तर पश्चिम मार्गों से कई विदेशी आक्रांताओं ने आकर अनेक भागों में एक ओर जहां लूटपाट की, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। इन आक्रांताओं और लुटेरों में से कुछ तो महाक्रूर और बर्बर हत्यारे थे जिन्होंने भारतीय जनता को बेरहमी से कुचला। आओ जानते हैं ऐसे 9 बर्बर लुटेरों के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम। 7वीं सदी के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत के हाथ से जाता रहा। भारत में इस्लामिक शासन का विस्तार 7वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण और बाद के मुस्लिम शासकों द्वारा हुआ। लगभग 712 में इराकी शासक अल हज्जाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंधु और बूझ पर के अभियान का सफल नेतृत्व किया। इस्लामिक खलीफाओं ने सिंध फतेह के लिए कई अभियान चलाए। 10,000 सैनिकों का एक दल ऊंट घोड़ों के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। सिंध पर ईस्वी सन 638 से 711 ईस्वी तक के 74 वर्षों के काल में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। 15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। मोहम्मद बिन कासिम अत्यंत ही क्रूर योद्धा था। सिंध के दीवान गुंदुमल की बेटी ने सर कटवाना स्वीकार किया, पर मीर कासिम की पत्नी बनना नहीं। इसी तरह वहां के राजा दाहिर और उनकी पत्नियों और पुत्रियों ने भी अपनी मातृभूमि और अस्मिता की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। सिंध देश के सभी राजाओं की कहानियां बहुत ही मार्मिक और दुखदायी हैं। आज सिंध देश पाकिस्तान का एक प्रांत बनकर रह गया है। राजा दाहिर अकेले ही अरब और ईरान के दरिंदों से लड़ते रहे। उनका साथ किसी ने नहीं दिया, बल्कि कुछ लोगों ने उनके साथ गद्दारी की। महमूद गजनबी। अरबों के बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। 977 ईस्वी में अलप्तगीन के दामाद सुबुक्तगीन ने गजनी पर शासन किया। सुबुक्तगीन के मरने से पहले कई लड़ाइयां लड़ते हुए अपने राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख एवं पश्चिमोत्तर भारत तक फैला दी। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा के आदेशानुसार भारत के अन्य हिस्सों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसने भारत पर 1001 से 1026 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किया। उसने प्रत्येक वर्ष भारत के अन्य हिस्सों पर आक्रमण करने की प्रतिज्ञा की। अपने 13वें अभियान में गजनवी ने बुंदेलखंड, किरात तथा लोहकोट आदि को जीत लिया। 14वां आक्रमण ग्वालियर तथा कलिंजर पर किया। अपने 15वें आक्रमण में उसने लोदोर्ग, चिकलोदर तथा अहिनवाड़ पर आक्रमण कर वहाँ खूब लूटपाट की। माना जाता है कि महमूद गजनवी ने अपनी 16वीं लड़ाई सोमनाथ पर की। उसने वहाँ के प्रसिद्ध मंदिर को तोड़ा और वहाँ अपार धन प्राप्त किया। इस मंदिर को लूटते समय महमूद ने लगभग 50,000 ब्राह्मणों एवं हिंदुओं का कत्ल कर दिया। इसकी चर्चा पूरे देश में आग की तरह फैल गई। 17वां आक्रमण उसने सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों में जाटों के पर किया। इसमें जाट पराजित हुए। मोहम्मद गोरी। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी और उसके बाद मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण कर अंधाधुन कत्लेआम और लूटपाट मचाई। इसका पूरा नाम शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी था। भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय मोहम्मद गोरी को ही जाता है। गोरी गजनी और हेरात के मध्य स्थित छोटे से पहाड़ी प्रदेश गोर का शासक था। उसने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया, दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर किया। इसके बाद 1179 से 1186 ईस्वी के बीच उसने पंजाब पर फतह हासिल की। इसके बाद उसने 1179 ईस्वी में पेशावर तथा 1185 ईस्वी में सियालकोट अपने कब्जे में ले लिया। 1191 ईस्वी में उसका युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में गोरी को बंधक बना लिया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया। इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने अधिक ताकत के साथ पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। तराइन का यह द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। गोरी भारत में मुगल वंश का शासक स्थापित कर पुनः अपने राज्य लौट गया। चंगेज खान। मंगोलियाई नाम चिंगिस खान सन 1162 से 18 अगस्त 1227। चंगेज खान ने मुस्लिम साम्राज्य को लगभग नष्ट ही कर दिया था।
वह एक मंगोल शासक था, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, हलाकू खान भी बौद्ध था। चंगेज अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता तथा साम्राज्य विस्तार के लिए कुख्यात रहा। भारत सहित संपूर्ण रशिया, एशिया और अरब देश चंगेज खान के नाम से ही कांपते थे। चंगेज खान का नाम सुनते ही पूरी दुनिया में दहशत फैल जाती थी। चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के ऊपरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन या तेमुचिन था। उसके पिता का नाम येसुजेई था, जो कियात कबीले का मुखिया था। चंगेज खान ने अपने अभियान चलाकर ईरान, गजनी सहित पश्चिम भारत के काबुल, कंधार, पेशावर सहित उसने कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया। इस समय चंगेज खान ने सिंधु नदी को पार कर उत्तर भारत और असम के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। इस उत्तर भारत एक संभावित लूटपाट और विभत्स उत्पात से बच गया। एक नए अनुसंधान के अनुसार इस क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों में इस कदर लूटपाट की और खून खराबा किया कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान सहित उज्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा आदि देशों की बहुत बड़ी आबादी का सफाया हो गया था। मुसलमानों के लिए तो चंगेज खान और हलाकू खान अल्लाह का कहर था। तैमूर लंग भी चंगेज खान जैसा शासक था और वह उसके जैसा बनना भी चाहता था। सन 1369 ईस्वी में समरकंद का शासक बना। इसके बाद उसने अपनी विजय और क्रूरता की यात्रा शुरू की। मध्य एशिया के मंगोल लोग इस बीच में मुसलमान हो चुके थे और तैमूर खुद भी मुसलमान था। क्रूरता के मामले में चंगेज खान की तरह ही था। कहते हैं एक जगह उसने 2000 जिंदा आदमियों की एक मीनार बनवाई और उन्हें ईंट और गारे में चुनवा दिया। जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तब उत्तर भारत में तुगलक वंश का राज था। 1399 में तैमूर लंग द्वारा दिल्ली पर आक्रमण के साथ ही तुगलक साम्राज्य का अंत माना जाने लगा। तैमूर मंगोलों की फौज लेकर आया तो उसका कोई बड़ा मुकाबला नहीं हुआ और वह कत्लेआम करता हुआ मजे के साथ आगे बढ़ता गया। तैमूर के आक्रमण के समय हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर जौहर की राजपूती रस्म अदा की थी, यानी युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाने के लिए बाहर निकल पड़े थे। दिल्ली में वह 15 दिन रहा और उसने इस बड़े शहर को कसाई खाना बना दिया। बाद में कश्मीर को लूटता हुआ वह समरकंद वापस लौट गया। तैमूर के जाने के बाद दिल्ली मुर्दों का शहर रह गया था। बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर एक लुटेरा था। उसने उत्तर भारत में कई लूट को अंजाम दिया। मध्य एशिया के समरकंद राज्य की एक बहुत छोटी सी जागीर फरगनान में 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। उसके पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर शाह तथा माता कुनलुक निगार खानम मंगोलों की वंशज थी। बाबर ने चगताई तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी। इसे इतिहास में बाबरनामा भी कहा जाता है। बाबर का टकराव दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी से हुआ। बाबर के जीवन का सबसे बड़ा टकराव मेवाड़ के राणा सांगा के साथ था। बाबरनामा में इसका विस्तृत वर्णन है। संघर्ष में 1927 ईस्वी में खनवा के युद्ध में अंत में उसे सफलता मिली। बाबर ने अपनी विजय पत्र में अपने को मूर्तियों की नींव का खंडन करने वाला बताया। इस भयंकर संघर्ष से बाबर को गाजी की उपाधि प्राप्त की। गाजी वह जो काफिरों का कत्ल करे। बाबर ने अमानुषिक ढंग से तथा क्रूरतापूर्वक हिंदुओं का नरसंहार ही नहीं किया बल्कि अनेक हिंदू मंदिरों को नष्ट भी किया। बाबर की आज्ञा से मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर निर्मित प्रसिद्ध मंदिर को नष्ट कर मस्जिद बनवाई। इसी भांति ग्वालियर के निकट उरवा में अनेक जैन मंदिर को नष्ट किया। उसने चंदेरी के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों को भी नष्ट करवा दिया था जो आज बस खंडहर हैं। औरंगजेब। भारत में मुगल शासकों में सबसे क्रूर औरंगजेब था। मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में हुआ। उसके पिता शाहजहां और माता का नाम मुमताज था। बाबर का बेटा नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं दिल्ली के तख्त पर बैठा। हुमायूं के बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अकबर के बाद नरुद्दीन सलीम जहांगीर, जहांगीर के बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, शाहजहां के बाद मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब ने तख्त संभाला। हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे जालिम शासक ने अपने पिता को कैद किया, अपने सगे भाइयों और भतीजों की बेरहमी से हत्या की, गुरु तेग बहादुर का सर कटवाया, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवाया, जिसने सैकड़ों मंदिरों को तुड़वाया, जिसने अपनी प्रजा पर वे इंतहा जुर्म किए और अपने शासन क्षेत्र में गैर मुस्लिमों के लिए मुनादी करवा दी थी कि या तो आप इस्लाम कबूल कर लें या फिर मरने के लिए तैयार रहें। औरंगजेब एक तुर्क था। इसके बाद में ही उत्तर भारत का तेजी से इस्लामीकरण हुआ।
अधिकतर ब्राह्मणों को या तो मुसलमान बनना पड़ा या उन्हें प्रदेश को छोड़कर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के गांव में शरण ली। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध इतिहासकार राधाकृष्ण बुंदेली के अनुसार मुगल शासक औरंगजेब ने अपनी सेना को सन 1669 में जारी अपने एक हुक्मनामे पर हिंदुओं के सभी मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया था। इस दौरान सोमनाथ मंदिर, वाराणसी का मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर के अलावा कई हिंदू देवी देवता के प्रसिद्ध मंदिर तोड़ दिए गए थे। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक तौर पर मनाने पर प्रतिबंध लगाया और उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। औरंगजेब दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाया था। 1669 में औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर पर एवं मथुरा के केशव राय मंदिर को तुड़वा दिया था। नादिर शाह, जन्म 6 अगस्त 1688, मृत्यु 17 जून 1747। नादिर शाह का पूरा नाम नादिर कोली बेग था। यह ईरान का शासक था। उसने भारत पर आक्रमण कर कई तरह की लूटपाट और कत्लेआम को अंजाम दिया। दिल्ली की सत्ता पर आसीन उस वक्त के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराने के बाद उसने वहां से अपार संपत्ति अर्जित की, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में लड़ा गया। काबुल पर कब्जा करने के बाद उसने दिल्ली पर आक्रमण किया। करनाल में मुगल राजा मोहम्मद शाह और नादिर की सेना के बीच लड़ाई हुई। इसमें नादिर की सेना मुगलों के मुकाबले छोटी थी, पर अपने बारूदी अस्त्रों के कारण फारसी सेना जीत गई। हारने के बाद दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह ने संभवतः मार्च 1739 में दिल्ली पहुंचने पर यह अफवाह फैला दी कि नादिर शाह मारा गया। इससे दिल्ली में भगदड़ मच गई और फारसी सेना का कत्ल शुरू हो गया। नादिर को जब यह पता चला तो उसने इसका बदला लेने के लिए दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उसने दिल्ली में भयानक खून खराबा किया और एक दिन में कई हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा उसने शाह से भारी धनराशि भी लूट ली। मोहम्मद शाह ने सिंधु नदी के पश्चिम की सारी भूमि भी नादिर शाह को दान दे दी। हीरे जवाहरात का एक जखीरा भी उसे भेंट किया गया, जिसमें कोहिनूर, दरियानूर और ताज ए नामक विख्यात हीरे शामिल थे। अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है। सन 1747 में नादिर शाह की मौत के बाद वह अफगानिस्तान का शासक बना। अपने पिता की तरह अब्दाली ने भी भारत पर सन 1748 से 1758 तक कई बार आक्रमण किए और लूटपाट करके अपार धन संपत्ति को इकट्ठा किया। सन 1757 में जनवरी के माह में दिल्ली पर आक्रमण किया। उसने अब्दाली से बहुत ही शर्मनाक संधि की, जिसमें एक शर्त दिल्ली को लूटने की अनुमति देना भी था। अहमद शाह एक माह तक दिल्ली में ठहरकर लूटमार और कत्लेआम करता रहा। वहां की लूट में उसे करोड़ों की संपदा हाथ लगी। दिल्ली लूटने के बाद अब्दाली का लालच बढ़ गया। वहां से उसने आगरा पर आक्रमण किया। आगरा के बाद बल्लभगढ़ पर आक्रमण किया। बल्लभगढ़ में उसने जाटों को हराया और बल्लभगढ़ और उसके आसपास लूटा और व्यापक जनसंहार किया। इसके बाद अहमद शाह ने अपने पठान सैनिकों को मथुरा लूटने और हिंदुओं के सभी पवित्र स्थलों को तोड़ने के साथ ही हिंदुओं का व्यापक पैमाने पर कत्लेआम करने का आदेश दिया। उसने अपने सिपाहियों से कहा, प्रत्येक हिंदू के एक कटे सिर के बदले इनाम दिया जाएगा। मथुरा के इस जनसंहार के विस्तृत ब्यौरा आज ही मथुरा के इतिहास में दर्ज है। अब्दाली द्वारा मथुरा और ब्रज की भीषण लूट बहुत ही क्रूर और बर्बर थी। आशा करता हूँ यह इतिहास की जानकारी आपको पसंद आई होगी। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।